In this video, you will see information related to result of class 5th and 8th. सबसे पहले इसमें आप पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में जानकारी देखेंगे. फर्स्ट में यह दिया गया है या यह लिखा है कि 18 तारीख को आपकी कॉपी जहां पर जिस भी जनपद शिक्षा केंद्र में आपकी जहां पर भी चेक होंगी वहां पर आपकी पहुंच जाएंगी और 19 तारीख से आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगी. और आपकी कॉपी चेक कहाँ पे होंगी, मतलब जहाँ पे आपका विकास खंड है आपकी कॉपी राज्य शिक्षा केंद्र निर्धारित करेगा कि कौन से विकास खंड में आपकी कॉपी चेक होंगी, तो वहीं पर आपकी कॉपी चेक होंगी. और यह बताया गया है इसमें कि 19 अप्रैल से आपका मूल्यांकन मतलब कॉपी चेक वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और कब तक चलेगी, 25 अप्रैल को समाप्त करने का लक्ष्य है. मतलब 25 तारीख तक आपकी कॉपी चेक होने की संभावना है. इसमें एक दो दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, तो इसमें टोटल डेज हम मान के चलेंगे कि आपके कितने डेज लग सकते हैं. इसमें टोटल मैक्सिमम 8 डेज के समथिंग इसमें लग सकते हैं. लेकिन आप यह कहेंगे कि 8 दिन में कॉपी चेक कैसे हो सकती, तो 8 दिन में आपकी कॉपी चेक ऐसे हो सकती हैं कि आपकी डेली कॉपी चेक होंगी और उनके नंबर डेली आपके पोर्टल पर अपलोड होंगे. मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा वह आपके नंबर आपकी कॉपी में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वह आप वो पोर्टल पर अपलोड करेगा, तो आपकी कॉपी भी चेक होंगी डेली और आपका मार्क्स भी पोर्टल पर डेली अपलोड होंगे. तो इससे आपके रिजल्ट जल्दी आने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट ऐसे बनता कि आपकी कॉपी चेक होती फिर उसके बाद आपका रिजल्ट बनता फिर आपके मार्क्स पोर्टल पर अपलोड होते तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता था. लेकिन एमपी बोर्ड राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह किया गया है कि आपकी कॉपी चेक होंगी और डेली आपके मार्क्स अपलोड होंगे. लेकिन आप वह मार्क्स देख नहीं सकेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट घोषित होगा उसी दिन आप देख सकेंगे और शायद आपके स्कूल वाले ही आपको रिजल्ट आपका बताएं या फिर राज्य शिक्षा केंद्र आपके रोल नंबर से भी आपको आपके मार्क्स देखने के बारे में जानकारी प्रोवाइड करा देगी कि आप किस प्रकार देखेंगे आपके रोल नंबर से जानकारी. अब आप यह जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं 28 और 29 अप्रैल में आपके रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि 30 तारीख को रविवार है और 1 मई से ग्रीष्म अवकाश स्टार्ट हो रहे हैं. तो इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा 28 और 29 तारीख को और इससे पहले ही आपका रिजल्ट लाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी. अब इसके बाद 8th क्लास वाले और 5th क्लास वाले बच्चे यह देखेंगे कि उनके मार्क्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आपके 20 मार्क्स लिए जाएंगे. इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने लिए जाएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम से, 20. लेकिन 20 कैसे लिए जाएंगे कि आपके अगर 50 मार्क्स आए हैं तो आपके कितने मार्क्स लिए जाएंगे, 20. लेकिन अगर आपके 49 मार्क्स आते हैं 50 में से तो आपके कितने मार्क्स लिए जाएंगे, 19.2. मतलब इसका ऐसे ही परसेंट निकाला जाएगा. अगर आपको परसेंट निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपके जितने मार्क्स आए थे, मानते हैं आपके कितने मार्क्स आए थे, 49 मार्क्स आए थे, तो आपको क्या करना है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद उसका कितना परसेंट निकालना है, 20% निकालना है. तो इससे आपके मार्क्स निकल जाएंगे, आपके मार्क्स कितने आएंगे, 19.2. या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने, 49 थे, तो 49 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 40% निकालना है. तो 49 का आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 19.2 आएगा. इसी प्रकार से हमने यहाँ पर सभी के मार्क्स निकाले हुए हैं अर्धवार्षिक के, और अर्धवार्षिक में ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि आपके मार्क्स किस में आएंगे, पॉइंट में आएंगे. क्योंकि अगर आपके मार्क्स 50 आते हैं तब तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, 20 आएंगे,
और आपके अगर 45 आते हैं तो आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 18 के समथिंग आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके 49 आते हैं तो आपके मार्क्स पॉइंट में ही आएंगे, 48 आते हैं तब भी आपके मार्क्स पॉइंट में ही आएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम वाले मार्क्स। और आपकी जो लिखित परीक्षा हुई थी 60 मार्क्स की, उसके मार्क्स आपको सेम टू सेम मिलेंगे जैसे आपको कॉपी चेक होने के बाद आपको मिलेंगे। और आपके प्रोजेक्ट मार्क्स आपके टीचर देंगे और वह राज्य शिक्षा केंद्र पर अपलोड किए जा चुके हैं। अब आपके टीचर ने आपको जितने दिए हों, यहाँ पर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पर उसे 20-20 मार्क्स दिए गए हैं सभी में। तो यहाँ पर उसके फर्स्ट लैंग्वेज, अब फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या होगी, आप जिस माध्यम में पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। और आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। और आप हिंदी मीडियम में हैं तो आपकी सेकेंड लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी। मतलब आप जिस माध्यम में पढ़ रहे हैं वह आपकी क्या रहेगी, फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। और आप हिंदी मीडियम में हैं तो इंग्लिश आपकी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी, और आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो हिंदी आपकी सेकेंड लैंग्वेज रहेगी। और थर्ड लैंग्वेज में आपको ऑप्शन है कि आप संस्कृत, उर्दू, यह सब ले सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर आपके थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स आएंगे, और इसके बाद आपके मैथ के मार्क्स आएंगे, और फिर साइंस के, और लास्ट में किसके, सोशल साइंस के मार्क्स आपके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ फाइव का ऑप्शन के बारे में अभी एमपी बोर्ड द्वारा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आपके उसमें वह ऑप्शन नहीं रहेगा बेस्ट ऑफ फाइव वाला, कि आपके फाइव मार्क्स, फाइव सब्जेक्ट के मार्क्स आपके काउंट होंगे, वन मार्क्स, वन सब्जेक्ट जिसमें आपके कम मार्क्स आएंगे उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके टोटल 100 में से फर्स्ट लैंग्वेज में कितने मार्क्स आए, 94.2, और सेकेंड लैंग्वेज में 92.4। यहाँ पर इन सभी का टोटल कितना आया था, सभी सब्जेक्ट का 556.2, और इसकी परसेंट कितनी बनी थी, 92.7। टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 600 रहेंगे। तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर इससे समझ भी सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपको यह अर्धवार्षिक वाला समझ में नहीं आया हो तो आपको, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपके जितने मार्क्स थे उसमें आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 0.4 का। अब फिफ्थ क्लास वाले बच्चों का देखेंगे कि उनके मार्क्स कैसे आएंगे, तो उनका भी प्रोसेस वही सेम रहेगा कि उनके हाफ ईयरली में अगर 50 मार्क्स थे तो 50 में से उनके कितने, 20 मार्क्स लिए जाएंगे। और अगर उनके मार्क्स 49 थे तो उनका कितना परसेंट लिया जाएगा, 40% लिया जाएगा। अगर 49 से अगर आप निकालते हैं तो कितना निकालना है आपको, 40% निकालना है। अगर आपको 20% निकालना है तो आपको आपके मार्क्स का डबल करना रहेगा, फिर उसका 20% निकालना है। अगर आपको यह समझ नहीं आया हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको जितने मार्क्स थे आपको कितना करना है, 0.4 का मल्टीप्लाई करना है उनमें, तो आपके हाफ ईयरली वाले मार्क्स आपको आ जाएंगे, कितने आपके यहाँ पर आपके ओरिजिनल मार्कशीट में आएंगे। और फिफ्थ क्लास वालों के टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 400 रहेंगे, क्योंकि उनके सब्जेक्ट कितने होते हैं, 4। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी, आप जिस माध्यम में पढ़ रहे हैं वह रहेगी, इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश रहेगी, हिंदी मीडियम वालों की हिंदी रहेगी। और सेकंड लैंग्वेज आपकी अपोजिट रहेगी, हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश रहेगी और इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी रहेगी। मैथ सभी की सेम रहती है, इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश में रहती और हिंदी मीडियम वालों की हिंदी में। ईबीएस और पर्यावरण भी आपकी सेम रहती, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर रहता है कि उनकी इंग्लिश में रहती और हिंदी मीडियम वालों की हिंदी में रहती। और आपके मार्क्स भी आप 8th क्लास वालों के जैसा आपने देखा होगा वैसे ही आपके मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट के हिसाब से बनाया गया है, तो उसे प्रोजेक्ट में 20-20 मार्क्स दिए हैं, और आपके टीचर ने आपको जितने मार्क्स दिए होंगे
आपकी योग्यता के अनुसार। तो वहाँ पर यहाँ थर्ड वाले कॉलम में आपको प्रोजेक्ट मार्क्स में वह देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक और कॉलम लास्ट में ऐड होगा जिसमें आपको रिमार्क दिया जाएगा, पास फेल डिस्टेंशन इन सभी को लास्ट वाले कॉलम में दिया जाएगा टोटल मार्क्स के साइड वाले में। यहाँ पर इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स हुए थे 355.6। तो आपको अगर इनका परसेंट निकालना है तो एट्थ वाले क्या करेंगे, एट्थ वालों के टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 6, तो आपको 6 का डिवाइड करना है टोटल मार्क्स में जो आपके टोटल ऑब्टेंड मार्क्स हैं उनमें। और यहाँ पर फिफ्थ वालों को 4 का डिवाइड करना है, तो जितना नंबर आएंगे आपके वो क्या होंगे, परसेंटेज होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।